एरिया अंडर द कर्व, ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो आपको ये बताएगा, जो कि ऑलरेडी आपको ऐसा लगेगा कि डेफिनेट इंटीग्रेशन ही आप पढ़ रहे हो, कुछ नया नहीं आपके लिए। हाँ, बट ये है कि इस टॉपिक में अपने को ये पता चल जाता है, या ये पता लगाते हैं हम लोग कि कोई भी कर्व एक्स एक्सिस के रेफरेंस में या वाई एक्सिस के रेफरेंस में कितना एरिया कवर कर रहा है, ये टॉपिक का काम है। तो देखो, मैंने जैसे ग्राफ स्केच बनाया हुआ है कि वाई इक्वल्स टू एफ एक्स, कोई रैंडम कर्व है ग्रीन कलर का, और मैंने ये वर्टिकल लाइन ले लिया है एक्स इक्वल्स टू ए और एक्स इक्वल्स टू बी, ये दिख रहा है एक्स इक्वल टू ए से एक्स इक्वल टू बी तक। मतलब इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर मैंने ये ए पॉइंट माना और यहाँ पर मैंने बी पॉइंट माना, तो ए से बी के बीच में ये एफ एक्स कर्व ने, ये ए से बी पॉइंट, पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में ये एफ एक्स कर्व ने कितना एरिया कवर किया है, ये मेरी, मतलब ये मेरी डिमांड है, मेरी नीड है, मुझे पता लगा। तो ये सब चीजें, इस टाइप के लॉजिक्स या इस टाइप की कहानी। अरे अरे क्या आ रहा है, प्लीज मूव, क्यों भाई, एक सेकंड रुको, इसको ठीक कर लिया जाए। हाँ, तो ये सब की कहानियां इस चैप्टर में अपन देखेंगे कि कोई भी कर्व एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के रेफरेंस में कितना एरिया कवर करता है कोई दो पर्टिकुलर गिवन पॉइंट्स के बीच में। ये बहुत कंपलसरी है कि दो पॉइंट्स आपको गिवन होना चाहिए कि इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में ही हमें एरिया बताना है। दूसरी चीज, अगर मैं एक्स इक्वल टू ए से एक्स इक्वल टू बी के बीच में बनाता हूँ, मतलब एरिया निकालना चाहता हूँ, तो आपको पता है यहाँ पर जैसा हम लोग वहां पर किए थे डेफिनेट इंटीग्रेशन में, ऐसा वर्टिकल स्ट्रिप्स बनाएंगे हम लोग छोटे छोटे विड्थ के। तो देखो, ये पूरा कर्व का एरिया आ जाएगा, एकदम छोटे छोटे वर्टिकल स्ट्रिप्स बना देंगे हम, ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस के रेफरेंस में हमें बताना है। तो ये जो छोटे छोटे से वर्टिकल स्ट्रिप्स है ना, इसकी कुछ विड्थ है, और विड्थ हम लोग ने वहां पर बोला था कि इसकी विड्थ आप मान लीजिए एच, और ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे विड्थ के वर्टिकल स्ट्रिप्स आपको बनाने हैं, इसकी विड्थ आप मान लेते हैं एच। तो मैंने आपको ये भी बताया था लास्ट लास्ट में जब हम लोग ये चैप्टर खत्म कर रहे थे डेफिनेट, कि एच को हम लोग ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब डीएक्स ले लेंगे, क्योंकि बहुत छोटे छोटे विड्थ है ना ये, तो एक्स के रेफरेंस में बात हो रही है ना, तो एक एक छोटे छोटे विड्थ को आप मान लोगे डीएक्स, तो विद रिस्पेक्ट टू डीएक्स इसका मैं एरिया निकालूंगा, मेन तो यही करना है। तो इस ये एफ एक्स का एरिया, अब एरिया वर्ड लिख रहा हूं मैं, विद रेफरेंस टू एफ एक्स का एरिया, विद रेफरेंस टू या विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये ऐसे ही फॉर्मूला वही है जो डेफिनेट इंटीग्रेशन में आपने देखा था, लिखने का तरीका है तो वही चीज। यहाँ बस एक नया चीज आ जाएगा जो हम लोग बिलो एक्स एक्सिस के लिए वहां सीखे थे, कि एक्स एक्सिस के बिलो अगर कोई भी ग्राफ है तो उसका डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू ना जीरो होती है, नेगेटिव होती है, लेकिन कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे है तो इसके डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू पॉजिटिव होती है अगर उसका एरिया निकालने बोल दिया गया है। तो एरिया कुछ और नहीं, डेफिनेट इंटीग्रेशन ही है, बट हमेशा इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी एरिया की वैल्यू। तो ये पहला तरीका होता है कि कोई भी ग्राफ का अगर एक्स एक्सिस के रेफरेंस में आप निकालना चाहते हो तो ऐसे वर्टिकल स्ट्रिप बनाइए, और एक एक की स्ट्रिप की विड्थ आप ले लेंगे डीएक्स, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स आप एफ एक्स को इंटीग्रेट करेंगे, और ए से बी तक आप उसकी वैल्यूज पुट कर देंगे लिमिट में, तो यू विल गेट द आंसर, द डिजायर्ड रिजल्ट, कि ये है इसका एरिया कवर्ड। ऑलरेडी ये अपन लोग लास्ट चैप्टर में देख चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या थी, हाँ, बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर हमें जल्दी जल्दी ये सब का एक क्विक बोल सकते हैं क्विक रिविजन करना जरूरी है, पता होना जरूरी है कि ये सबके ग्राफ कैसे होते थे, स्टैंडर्ड ग्राफ्स, क्योंकि ये चैप्टर पूरा ग्राफ से ही भरा पड़ा है, तो ग्राफ नहीं आता है तो ये चैप्टर में आप फ्लॉप, ग्राफ आना बहुत कंपलसरी है इसमें। तो देखो, ये मॉड एक्स का ग्राफ होता था, ये ऐसा ग्राफ क्यों बनता था, इसका टेक्निक था, इसके पीछे क्या टेक्निक था, कि जैसे ये रहा और ये रहा, ये ऐसा है मॉड एक्स का ग्राफ ना, ऐसा रहता था। अच्छा, ये भी ऐसा क्यों बनता था, ये भी तो समझना जरूरी है ना, याद करना जरूरी है। मतलब अगर मॉड के अंदर का कंटेंट, अगर मॉड के अंदर का कंटेंट पॉजिटिव है तो मॉड हटता था और प्लस एक्स बन के ओपन होता था, और अगर मॉड के अंदर का कंटेंट नेगेटिव है तो मॉड हटता था और मॉड का दो पिलर हटेंगे और एक माइनस, इनपुट के सामने एक माइनस लगा देंगे, तो इनपुट अगर नेगेटिव है तो मॉड हटेगा और एक और नेगेटिव लगा देगा, और इनपुट अगर पॉजिटिव है तो मॉड हटेगा और पॉजिटिव ही लगा देगा, ठीक है।
अब आप इसमें कहीं पर भी एक भी जगह इक्वालिटी लगा सकते हो, या तो यहाँ पर या तो यहाँ पर, कोई भी एक जगह जहां भी आपको इच्छा हो तो कहीं भी लगा दिया। अब देखो, अब इसका ग्राफ वी शेप टाइप का रहता था, ये सबको आप लोग को सबको पता है, बट फिर भी एक बार जल्दी जल्दी रिवाइज कर रहे हैं। तो ये इसका ग्राफ रहता था जिसमें ये होता था वाई इक्वल टू प्लस एक्स और ये होता था वाई इक्वल टू माइनस एक्स। जितने भी लीनियर ग्राफ मॉड के बनाते हैं हम लोग, जितने भी लीनियर ग्राफ मॉड के बनाते हैं, अगेन आई एम रिपीटिंग, जितने भी लीनियर ग्राफ अगर आप मॉड ले लोगे, एक सेकेंड ना, हाँ जी, तो मैं ये बता रहा था कि जब भी अपन लोग कोई लीनियर का मॉड ले लेते हैं, कोई भी लीनियर फंक्शन का मॉड, तो हमेशा ना लीनियर फंक्शन के मॉड का जो ग्राफ होता है वो हमेशा वी शेप टाइप का बनता है, हमेशा। अब ये पता होना चाहिए कि वी शेप में वो जो वी का कॉर्नर रहता है ना, वर्टेक्स, वो वर्टेक्स किस पॉइंट से होते हुए जाएगा, तो उसका भी टेक्निक था। मॉड के अंदर में जो इनपुट आ रहा है ना, उस इनपुट को जीरो से इक्वेट करो तो उससे ना वो वी का वर्टेक्स पॉइंट मिल जाता है। जैसे मॉड के अंदर में इनपुट क्या है, एक्स है, तो मैं एक्स को जीरो से इक्वेट करूंगा तो मुझे मिल गया एक्स इक्वल टू जीरो से वो वी शेप होते हुए जाएगा। एक्स इक्वल टू जीरो मतलब ओरिजिन ही होता है। अब जैसे मैंने मॉड एक्स प्लस थ्री दे दिया, तो एक्स प्लस थ्री को जीरो से इक्वेट करो तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी -3। तो इसका मतलब क्या है कि इस बार वी शेप मॉड एक्स प्लस थ्री का वी रहेगा, वी शेप ही, बट वो -3 से होते हुए जाएगा, वर्टेक्स -3 रहेगा इस बार। ये इस टाइप का डायग्राम रहेगा। तो ये सब टाइप की चीजें अपने को आनी चाहिए इस चैप्टर को करने के लिए, ठीक है? तो ये बहुत कंपलसरी चीज है। चलो सेकंड, अगर आप लोग को लिखना है तो आप जल्दी जल्दी लिखेंगे, क्योंकि ये रिवीजन चल रहा है अपना, क्योंकि अपने को इसके क्वेश्चंस करने, मेन इस चैप्टर के क्वेश्चन करने हैं आज। ये यार ये बार बार आज क्या हो रहा है, काइंडली रिमूव, फिर वायरस वायरस आ गया क्या? तो ये था अपना पहला फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, जिसके बारे में पूरी डिटेल पता होना चाहिए कि कैसे आपको ग्राफ आता है, बनाना आता है कि नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड आता है अपना एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। अब देखो, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन की क्या कहानी है, इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही बोलते हैं ना हम लोग, एक्सपोनेंशियल। इस बार मैंने एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या लिया हुआ है, ए बस लिया हुआ है, वेयर ए इज कॉन्स्टेंट। अच्छा देखो, अब ए कांस्टेंट है, कुछ भी नंबर आप ले सकते हो, जो भी मन में आ रहा है आपको, आप ए की वैल्यू ले सकते हो। तो इसका ग्राफ ना या तो ऐसा बनेगा एक्सपोनेंशियल का, या तो ए टू द पावर एक्स का ग्राफ जो होता है ना वो ऐसा बनता है। अब ये देखते हैं कि व्हाइट कलर का ग्राफ कब बनता है, ठीक है? ये अपना हो गया एक्स एक्सिस,